मैं हूँ डॉक्टर अरूबा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। और आप कह रहे हो एक बड़ी प्यारी सी हिस्टोरिक सी, ऐसे लगता है छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए और पता नहीं हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इस वक्त एक ऐसी शख्सियत की बर्थ प्लेस पर मौजूद हैं जो कि आपको पीछे मेरी नज़र भी आ रही है। सो हु इज़ दैट पर्सन? ये बिलीव किया जाता है यहाँ पर कि ही इज़ द बेस्ट British playwright, he is a poet and इसके साथ साथ he was an actor। और आज भी चार centuries गुजरने के बावजूद उसको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि हमने भी बचपन में अपने स्कूल में पढ़ते हुए उन्हीं के उसी के तमाम जिसे कहते हैं नॉवल्स और राइटिंग्स पढ़ी हैं। और उनके ब्लॉक बस्टर्स शायद सारों ने ना पढ़े हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उनका नाम ना सुना। यहाँ पर एक नाम लूँ अगर मैं, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, जितने नाम लिए जाए तमाम ब्लॉकबस्टर्स हैं। सो आप पहचान चुके होंगे मैं बात कर रही हूँ इस वक्त विलियम शेक्सपियर के, जिनकी बर्थ प्लेस पे हम खड़े हैं। और माना ये जाता है कि मिड 16th सेंचुरी में ही वॉज बॉर्न हेयर और उसके बाद इनिशियल फ्यू ईयर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर गुजारे थे। और जिस ज़माने में, जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ यानी मिड 16th सेंचुरी की, उस ज़माने में ये स्ट्रेटफर्ड का सेकेंड सबसे बड़ा घर था जो कि ही बॉट, इट वॉज़ हिज प्रॉपर्टी। सो आई एम एक्चुअली लाइक, जिनको हिस्ट्री पसंद है, जिनको पोइट्री पसंद है और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लगाव है, तो आई थिंक लिटरेचर हमेशा हर दौर में खास इंपॉर्टेंस दी गई राइटर्स को, पोइट्स को, सो इन सारी चीज़ों को। और वैसे भी देखें हम तो एक प्रॉपरली जो गली उन्होंने बना दिया, प्रिजर्व कर दी है। और बिल्कुल मेरे पीछे एक लिखा भी हुआ है कि प्राइड ऑफ स्ट्रैटफर्ड। सो यहाँ पर बहुत सा कुछ है, अभी हम उसके अंदर भी जाएंगे और आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन बाहर से दिखाना यू नो हिस्टोरिक बातें और इसके अंदर वो टच को थोड़ा थोड़ा रेनोवेट करके इन्होंने रखा भी हुआ है प्रिजर्व करके। सो दिस वॉज गुड थिंग कि यहाँ पर जो इनकी शख्सियात हैं उनकी चीज़ों को अच्छा प्रिजर्व किया जाता है और लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। सो आइए हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, इस स्ट्रीट को, इस घर को, इस कॉटेज को, कि क्या क्या और चीज़ें बातें यहाँ पर मुंसलिक हैं विलियम शेक्सपियर के साथ। रीडिंग्स तो हमने उनकी बहुत सी कर रखी हैं, करके बड़े भी हुए हैं, क्यों करते रहे हैं? बल्कि ये भी एक खास बात है कि देखिए कहा जाए तो 400 साल पहले के एक पोइट हैं, क्यों हम उनको पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिज पोइट्री, हिज पोइम्स, हिज राइटिंग्स दे वर टाइमलेस। और देखा जाए आज भी उसी तरह हम वही थिंकिंग रखते हैं, वही चीज़ चल रही होती है, चाहे वो लाइफ पे हो, लव पे हो, मिस्ट्री पे हो, मैजिक पे हो या डेथ पे हो, ही हैज़ अमेजिंग राइटिंग। सो आइए अब एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ों के, बल्कि यहाँ पे सारी थीम्स जो हैं, कपड़े वगैरह भी लगे हैं वो भी उसी तरह उसी थीम के, मिड 16th सेंचुरी के लगे हैं। सो आपको साथ साथ वो भी दिखाएंगे, आइए चल रहे हैं। आप लोगों को हिस्ट्री का, लिटरेचर का इंटरेस्ट है क्या? आप लोग देखते हैं क्या? आप लोग पढ़ते हैं? कितना लाइक करते हैं? सो मेरे पीछे ऐसा एक भूत खड़ा है विलियम शेक्सपियर का, जो उसके नीचे लिख भी रखा है अगर आपको नज़र आ रहा है। सो आर यू स्केयर्ड टू गो नियर हिम या फिर नहीं? ट्रू इंग्लिश लिटरेचर जैसे आप पढ़े होते हैं ना, आपको सो
सोचने समझने के लिए लिखने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, सीन चाहिए होता है. सो देयर वी हैव स्विंडी. आप लोग देखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज लाइक हाउसेस. आइए आगे चलते हैं. Thank you.
क्रूज ट्रिप के ऊपर इस पानी में चले आएंगे. इस वक्त हम मौजूद हैं शेक्सपियर विलेज. Right now we are cruising in the William Shakespeare village.